नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। इस प्रोजेक्ट में जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है वो मिस्टर राम सिंह जी, जो ग्राम कोटड़ी तहसील सिमदड़ी बाड़मेर के रहने वाले हैं और ये अपने पैतृक गांव में एक मकान बनवा रहे हैं जिसका नक्शा इन्होंने अपने वहाँ लोकल आर्किटेक्ट से बनवाया, किंतु वो चाहते थे कि इसका 3D एलिवेशन का काम इंडियन आर्किटेक्ट की टीम करे, क्योंकि उन्होंने हमारे इंटरनेट पर कई सारे वीडियोज़ देखे और वीडियोज़ देखने के बाद में इनका मन बना कि नहीं, ये टीम ठीक है और इस टीम के साथ में हमें वर्क करना चाहिए। तो उन्होंने हमारी टीम से कॉन्टेक्ट किया और कॉन्टेक्ट करने के बाद में उन्होंने हमें बताया कि वो जिस लोकेशन पर रहते हैं वहाँ से उनके पास में जैसलमेर भी का स्टोन भी काफ़ी काम में लिया जाता है और ब्रिक मशीनरी के साथ में प्लास्टर का भी वर्क किया जाता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने उनके लिए एक ऐसा एलिवेशन तैयार किया है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये उस साइट के फोटोग्राफ्स है जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। अब बात करते हैं इनके नक्शे की। इनका जो प्रॉपर्टी इनके पास में है उस पर इन्होंने 35 फीट बाई 40 फीट का एक नक्शा अपने लोकल आर्किटेक्ट से वहाँ से बनवाया और बनवाने के बाद में इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया कि भैया इसका 3D एलिवेशन बनाइए और हमने इनके लिए एक 3D एलिवेशन डिजाइन किया। आप देखेंगे नक्शा भी इन्होंने काफ़ी हद तक वास्तु का ध्यान में रखते हुए बनाया। अब हम बात करते हैं इसके एलिवेशन की डिटेल की। इनकी जो एलिवेशन डिटेल्स है वो तीन पार्ट में आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ये इसकी फ्रंट बाउंड्री वाल है। ये सारी डिटेल्स इनकी फ्रंट बाउंड्री वाल की है और ये बिल्कुल फ्रंट में जो दीवारें आ रही है उसकी डिटेल्स है और ऊपर की जो पैरापेट वाल आ रही है ये उसकी डिटेल्स है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने इसमें जो पिलर लिया है वो 1 फीट का लिया है और यहाँ पर हाइट जो है 5.5 फीट के आसपास है। उसके बाद में ये सारे कंगूरों की डिजाइन हमने इसमें डाली है और फिर बीच में जो है वो मुख्य गेट के सामने ही एक हमने बड़ा फ्रंट गेट लिया जिसकी साइज 12 फीट हो जाती है और यहाँ पर हमने बॉक्सेस की डिजाइन दी जैसा कि आप एलिवेशन में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं विंडो की। तो यहाँ पर जो विंडो की साइज ली हुई वो 8 फीट मैक्सिमम विंडो की साइज है और हाइट लगभग 5 फीट 4 इंच के साथ में ऊपर की सारी डिजाइनें मिला करके तकरीबन 9 फीट के लगभग हो जाती है। तो 8x9 की ये विंडो है और दोनों ही साइड में केवल एक डेकोरेशन के हिसाब से हमने डिजाइन ली है आर्चेस में। देन हम बात करते हैं इसके मेन एंट्रेंस की। तो ये जो मेन एंट्रेंस है इस पर हमने एक बड़ा सा ये आर्च दिया है और अंदर की तरफ जहाँ दरवाजा लगेगा वहाँ पर भी हमने एक बड़ा सा आर्च लिया है जिसकी साइज 7 फीट बाई 6 फीट की हमें मिल रही है। तो दोस्तों ये दोनों डिजाइन हमने दोनों साइड में बड़ी बड़ी साइज की विंडो और बीच में एक बड़ा सा दरवाजा दिया है। दरअसल ये वाली जो खिड़की आपको दिखाई दे रही है ईस्ट वाली साइड में अग्निकोण की तरफ, ये किचन की विंडो रहेगी और ये वाली जो खिड़की है ये ड्राइंग रूम की रहेगी। जैसा कि आपने नक्शे में देखा है किचन वाले पोर्शन से ड्राइंग रूम वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर पे हमने एक छतरी दी है जिसकी साइज तकरीबन 3 फीट 8 इंच बाई 5 फीट के आसपास हो जाती है और यहाँ पर जो ये पैरापेट वाल मिल रही है उस पर हमने एक पत्थर की चौकोर डिजाइंस दी है और बीच में जहाँ मेन दरवाजा बन रहा है वहाँ पर हमने ये आर्चेस की डिजाइंस और इसके जस्ट ऊपर कंगूर है, कंगूरों के ऊपर हमने ये शेरकोट के छोटी साइज का पैटर्न जो लगभग 9 से 10 इंच के आसपास का बनता है वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और उसी के बाद में जो फर्स्ट फ्लोर पर पीछे दरवाजा बनेगा वो दरवाजे की डिजाइन ये आपको दिखाई दे रही है। एंड देन पैरापेट पे उसी डिजाइंस को हमने पूरा का पूरा कॉपी किया है ताकि जो सिमिलरिटी है वो पूरी आप बिल्डिंग्स की बनी रहे। इसी के साथ में हम देखते हैं इसके राइट साइड के साइड व्यू को। तो राइट साइड में भी आप देखेंगे ये वाला जो आपको विंडो दिखाई दे रही है ये विंडो जो है ये ड्राॅइंग रूम की विंडो है और इसके बाद में यहाँ पर एक दरवाज़ा आ रहा है और दरवाजे के बाद में ये एक बेडरूम है जिसका गोखड़ा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखेंगे हमने जो ये वायु कोण बन जाता है इस वायु कोण पे डबल मंजिल को हमने लिया है ताकि वायु और नैऋत्य कोण को हमने डबल मंजिल लिया है, वेस्ट वाले पोर्शन को पूरा कवर कर दिया। तो यहाँ पर आपको डबल बिल्डिंग की हमने हाइट दी है और यहाँ ये जो ये विंडो है ये तिबारी हमने दी है, 3 विंडो वाला इसमें पैटर्न हमने फॉलो किया है। तो दोस्तों ये इसकी कंप्लीट डिटेल है। आप भी अगर इस डिटेल के हिसाब से अपना कोई भी प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हो तो आप एक बार किसी एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस जरूर कर लें और उसके बाद में आप इस पैटर्न्स को इस डिजाइन्स को काम में ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से इससे संबंधित सारी डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो तो आप हमारी टीम के साथ में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स के जरिए। आइए अब हम इसके आगे की बात करते हैं। जब हम इनके लिए वर्क कर रहे थे तो उन्होंने हमें ये भी कहा था कि कॉस्ट कम करने के लिए हमें ये सारा काम सीमेंट में करके दीजिए, जो सीमेंट प्रीकास्ट आर्टिकल्स बनते हैं उनमें। तब हमने इनके लिए एक सीमेंट प्रीकास्ट आर्टिकल के हिसाब से इसमें कलर्स डाल करके भी उनको दिखाया है।
तो जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो सेल पर इस पर डिसीजन ले सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट वो कितना इस पर जाना चाहते हैं हम। ये इसका आइसोमेट्रिक साइड व्यू है जिसमें आप नॉर्थ और ईस्ट साइड से आपको दिखाई दे रहा है। दोनों में से कौन सा रंग आपको अच्छा लगा है आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये हमने इनके लिए एक वॉक थ्रू को तैयार किया है कि जब पूरा मॉडल बन जाता है तो अगर उसे कई बार क्या होता है कि फ़ोटो के अंदर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, तब हम क्या करते हैं कि एक वॉक थ्रू से आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं कि कौन सी डिज़ाइंस कितनी बाहर आ रही है, किस शेप में आ रही है, किस दूसरे एंगल से लगाने के बाद में वो किस तरह से दिखाई देगी। तो ये एक 3D वॉक थ्रू हमने इनके लिए तैयार किया था जिसमें डेप्थ, हाइट, विड्थ ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से देखी जा सकती है। ये जो ईस्ट साइड से जो एंट्रेंस है उसका दरवाज़ा है और ये किचन वाला पोर्शन है जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में ये ड्राइंग रूम के बाहर जो एक छोटा सा गार्डन बनने वाला है ईशान कोन में, ये वो पोर्शन है। और जब हम इससे घूम करके जाते हैं तो ये पूरा नॉर्थ वाली वाल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये पूरी नॉर्थ वाली वाल है। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इस पर मिस्टर राम सिंह जी जो है जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ में कंप्लीट किया था और उनके काफ़ी सारे व्यूज़ हमें मिले, कई सारी जानकारियां उन्होंने हमें दी, उसके आधार पे हमने उनके लिए ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उस पर उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ में, हमारी टीम के साथ में, आइए वो भी जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह है, मैं गांव कोटली तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर का निवासी हूं और मैं इंडियन आर्किटेक्ट का खूब खूब आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पैतृक गांव में बन रहे घर को एक अच्छा एलिवेशन देकर मेरे ड्रीम होम को एक अच्छा आकार दिया और उन्होंने मेरी बात को समझा और उनके स्टाफ ने मेरी बातों को अच्छे से समझ कर मेरे कहे अनुसार मुझे एलिवेशन देने का पूरा जिम्मा उठाया। मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।